प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद की नगर पालिका कायमगंज में हैं और हमारे साथ बहुचर्चित डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि आप नगर पालिका का यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपको इस चुनाव में इतना दिलचस्पी क्यों है? देखिए, अभी तक जो मैंने सेवाएं की हैं वो पूरा कायमगंज नगर ही नहीं बल्कि पूरा जनपद फरुखाबाद जानता है। और अभी तक जो मैंने सेवाएं की हैं वे मैंने अपने व्यक्तिगत खर्चों से की हैं। और एक व्यक्ति अपने निजी खर्चे से कितना कर सकता है, तो अपनी समाज सेवाओं का विस्तार बढ़ाने के लिए चुनावी समर में मैं उतरा हूँ, जिससे लोग कहीं गड्ढे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, शहर में स्वच्छता नहीं है, लोग बीमार हैं, मतलब गरीबों के दुख दर्द दूर करने के लिए और जो समाज है जिसकी जो जरूरत है और जो प्रशासन की मदद है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। मैं कोई नेता नहीं, बस बेटा बनना चाहता हूँ और लोगों की सच्ची सेवा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, तो जरा नगर पंचायत और नगर पालिका के भी लोगों को पता चले, इस समय देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, कि समाज सेवा में कोई विशेष काम जो आपने यहाँ की जनता के लिए किया हो? देखिए, सबसे पहले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। समाज सेवा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को समाज की सेवा करनी चाहिए और मानवता और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जहां अभी कोरोना काल में 3 साल पहले कोरोना महामारी फैली हुई थी, लोग जो है घरों से निकल नहीं रहे थे, शमशान घाटों पर जगह नहीं थी, लोग रोज खत्म हो रहे थे, ऐसी भारी विपदा में जो है समय पे जो काम आया, जो उस समय कोरोना महामारी में जिसने मदद की, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही मदद की, जिसने भी की है उसके लिए मैं हार्दिक हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और प्रत्येक मानव का फर्ज है कि हमेशा लोगों की सेवा करे। कोरोना काल में मैंने खुद अपने कंधों पर मशीन टांग कर नगर में ही नहीं पूरे जनपद में सैनिटाइजेशन किया। जब मुझे खबर मिलती थी कि शमशाबाद में कोरोना निकला है गरीब गली के अंदर, तो मैं ट्रैक्टर भी मतलब किया था मैंने टैंकर, और खुद टैंकर पर बैठ करके अपनी टीम के साथ जहां तक संभव हो सकता था वहां तक मैंने सैनिटाइजेशन किया। लॉकडाउन में बहुत से बेचारे टिर्री वाले हैं, ठेले खोमचे वाले हैं, लोहार हैं, उनके जो कारोबार बंद हो गए थे उन पे मतलब खाने के लिए नहीं था, तब मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों को खाना उपलब्ध कराया, घर घर जाकर राशन पहुंचाया। और तो और, इंसान बोल सकता है अपने मुंह से कि मुझे भूख लगी है, लेकिन जानवर आपसे नहीं बोल सकता कि उसको भूख लगी है। कायमगंज में जो बिचारी गौ माता हैं हमारी मंडी समिति के आसपास घूमती रहती हैं, और कई ऐसी जानवर थे जो भूख से तड़प रहे थे, मंडी बंद हो गई थी, जिनका चारा सिर्फ जो सब्जियां बिकती थी उनको खाना था, उनकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन माता रानी की कृपा से जो कराती हैं वो अच्छा कराती हैं, और मैंने स्वयं अपनी मारुति वैन में ले जाकर के सभी को चारा सुबह दोपहर शाम खिलाया। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये किया मैंने वो किया, प्रत्येक मानव का धर्म है कि वह मानवता की सेवा करे, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपकी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि है? राजनैतिक पृष्ठभूमि कोई भी नहीं है। मैं पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और उसमें जैसे मोदी जी की लहर थी वैसे ही मेरी लहर थी। मैं चूंकि नया था तो मुस्लिम इलाके में, और जो हमारे विरोधी लोग थे 30 साल से मुस्लिम भाई वहां पर वो कर रहे थे, जीत रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ जो राजनीति के धुरंधर थे जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने प्लान करके मेरा दुष्प्रचार किया, उसमें दिल्ली पुलिस ने
कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन मैं बस यही कहूंगा इस बात के लिए कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि जो लोग समाज सेवा कर नहीं सकते वो टांग खींचना बंद करें। सत्य सत्य की नाव डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। जो सही है उसको मेटने वाला कोई नहीं है। और फिर जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई, अपना कर्म करते रहिए। दुनिया वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, महात्मा बुद्ध को नहीं छोड़ा, विवेकानंद जी को नहीं छोड़ा, उनका भी दुष्प्रचार किया, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस बात के कि मैं चुनाव राजनीति के लिए नहीं अपनी समाज सेवाओं का विस्तार बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर गरीब के घर में खुशियाँ हो, कोई भूखा ना सोए, सबके पास रोजगार हो, सबके पास अपनी छत हो, शहर में साफ सफाई हो, जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में जो नगरपालिका अपना अनुदान दे सकती है, सब कुछ मिलके किया जा सकता है। गरीब कन्याओं की शादी में हम ज्यादा से ज्यादा दान दें, गरीबों के लिए राशन भी अपनी तरफ से नगरपालिका से चलवाएं और गरीबों के लिए निशुल्क अस्पताल भी नगरपालिका से चलवाएं और पानी की लाइट की सारी व्यवस्थाएं स्वस्थ हों। बस अब मैं कहने में और पैर छूने में विश्वास कतई नहीं रखता, मेरा कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश की लेकिन मैंने अपनी समाज सेवाओं को बंद नहीं किया। मैं लोगों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, उसकी मूल वजह यह है कि अभी 15 दिन पहले एक बिचारी महिला थी, उसका पति कचौड़ी का ठेला लगाता था, उसके 6 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसका ब्लड मात्र 1.5 हीमोग्लोबिन रह गया। मैं भी अस्वस्थ रहता हूँ, मेरा भी लीवर खराब है और जब मैंने उसको भर्ती कराया, कोई भर्ती नहीं कर रहा था, लोहिया में भर्ती कराया, फिर जब ब्लड देने की बात आई तो उसके रिश्तेदारों ने, उसके परिवार ने मना कर दिया, बहाना बना दिया, लेकिन मैं अस्वस्थ होते हुए भी और 7.5 हीमोग्लोबिन होते ही हुए भी मैंने 1 यूनिट नहीं बल्कि 2 यूनिट ब्लड उसे दिया। और बस ये है कि मैंने उसकी जिंदगी क्या बचाई, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। जिंदगी बनाने वाला और बचाने वाला देने वाला ईश्वर है, लेकिन जो जिसका फर्ज है उसको सदैव याद रखना चाहिए कि मेरा फर्ज गरीबों के लिए क्या है, माता पिता के लिए क्या है और जनता के लिए क्या है। उस 6 बच्चियों के सर से उसके पिता का साया उठने से बच गया, मुझे बहुत आत्मिक शांति है। मैं वोट नहीं मांगने जा पा रहा हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गरीबों की सेवा के लिए जीता हूँ और जीता रहूंगा। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो ईश्वर के सबसे निकट और सबसे प्रिय होता है। वर्तमान में कई प्रत्याशी हैं जो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, आप स्वयं को उनसे किस प्रकार से अलग रखते हैं? देखिए वर्तमान समय में मैंने देखा है कि जब चुनाव आते हैं तो लोग सभी के पैर छूने चले जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो अपने स्वाभिमान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। पैर छूने से कुछ नहीं होता है, आप मानवता की सेवा करिए। जो सच्ची सेवा करता है, जो मानवता की सेवा करता हो उसको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे वोट दीजिए, जिसने गरीबों की सेवा की हो, जिसने गरीब कन्याओं की सेवा की हो, जो हिंदू और मुसलमान को दोनों समान समझता हो, कोई भेदभाव ना हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे जाटव हो, चाहे बाल्मीकि हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सेवा सबके लिए समान हो। बस मैं तो सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, राजनीति नहीं। जिसने गरीबों की शादियां कराई हो, जिसने टूटे फूटे घर बनवाए हो, चाहे वह हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, जिसने सबका एक तार सहयोग किया हो, बुरे समय में जो काम आया हो, जिसके कोरोना काल में जब लोग बेरोजगार हो गए थे उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो याद करिए कि आपके समक्ष कौन काम आया। पैर छूने वालों से या घर घर कुंडी खटखटाने वालों को वोट मत दीजिए,
जो वाकई में सच्ची समाज सेवा करता है उसको वोट दीजिए, जिससे आगे भविष्य में भी वो आपकी हर तरह की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी थे और इनका साफ उद्देश्य है कि अपने स्वार्थ के लिए घर घर जाकर कुंडी खटखटाने वाले को वोट मत दीजिए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आ रहे हैं, जिसने अनवरत आपकी सेवा की हो बिना इसको देखे हुए कि आज चुनाव है या कल चुनाव नहीं है। हमेशा एक समय जो जिसका व्यवहार रहा हो आप उसको चुनिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो समाज सेवा की भावना रखता हो। हम कई और लोगों का भी साक्षात्कार करेंगे और कायमगंज का पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे कि आखिर पब्लिक किसको राज तिलक करना चाहती है, क्योंकि पार्टी किसी को भी टिकट दे दे आखिर चुनाव वही जीतता है जिसको पब्लिक चाहती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।